कोई अंदर है, टॉर्च दिखा रहा है तो हम, क्योंकि लाइट सब बंद थी और देखे तो शटर खुला हुआ था, क्या था तिजोरी का चाबी नहीं थी, सामान पूरा ले गए, टीवी आर पूरा ले गए। रात में वो जो टॉर्च चलाए आपको दिखाई पड़ा, ये कैमरा तोड़ दिए, शटर का लॉक तोड़ दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम अपडेट करवाते हैं। सीधी जिले के थाना मिलिया अंतर्गत में बीती रात कृष्णा ज्वेलर्स में लाखों की हुई चोरी। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, अमिलिया थाने से महज लगभग मैं बात करूं तो 300 मीटर के आसपास की ये दूरी होगी जहां पे कृष्णा ज्वेलर्स में बीती रात में लाखों की चोरी हो गई। जब इस विषय पर हमने जानने का प्रयास किया कि पूरा मामला आखिर है क्या, तो लगभग बीते रात 3:30 बजे रात की ये घटना बताई जा रही है कि अज्ञात चोरों के द्वारा घर के अंदर घुसा गया और सोने चांदी से बने आभूषण की चोरी कर ली गई। सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था, हमारे चलते विजुअल में आप देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे का तार निकाल दिया गया, जो डीवीआर होता है डीवीआर तक भी चोर उठा ले गए। वहीं साइड में बने हुए आभूषण के जितने भी होते हैं वो ले गए और उसके डब्बे जो हैं साइड में फेंक दिए गए। लगभग 3:30 बजे जैसे ही जानकारी वहां पर सो रहे हुए संचालक विनोद सोनी के पिता को जानकारी हुई तो उन्होंने विनोद सोनी को बुलाया। विनोद सोनी को बुलाने के बाद जब वहां पर देखे तो ताला टूटा हुआ था, अंदर के सामान जो है बिखरे हुए थे, निकले हुए थे। जैसे ही इसकी सूचना 100 डायल पुलिस को दी गई और पुलिस के आने के बाद में फिर जानबीन तैयार कर ली गई, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चल सकता है। लेकिन जब इस विषय पर हमने संचालक विनोद सोनी से बात किया तो उन्होंने बताया कि लगभग 10 लाख के आसपास की चोरी हुई है। वो तो फिर जांच का विषय होता है कि कितने के आभूषण थे और कितने के आभूषण चोरी हुआ गया है। बड़ा सवाल ये पैदा होता है, बीती दिन ही सीधी पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है अचानक निरीक्षण कई थानों का किया गया था, जिसमें कि गतिविधियां देखी गई थी कि गश्त किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, जिसमें कि सभी थानों में पाया गया सही गश्त किया जा रहा है, वहां के रिकॉर्ड वगैरह भी सब चेक किए गए। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि महज 300 मीटर की दूरी पे चोर जो है वो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं या फिर मैं कह दूं कि चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को और इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब बड़ा प्रश्न ये बनता है कि पुलिस इन चोरों तक पहुंच पाती है। इससे पहले भी लॉकडाउन के समय पर विनोद सोनी के यहाँ चोरी हो चुकी थी। अब देखना ये होगा कि चोरों तक पहुंचने में कितने सफल होते हैं पुलिस। आइए हम सुनाते हैं विनोद सोनी और उनके पिता के द्वारा क्या कहा गया। क्या नाम था अपने का? भूरे लाल सोनी। क्या हुआ रात में, आपने क्या देखा? रात में वो जो टॉर्च चलाए हमको दिखाई पड़ा, क्योंकि लाइट सब बंद थी और जब ने देखा तो लाइट जली और फिर बुझ गई। हमको शंका हुआ कि मैंने डकैती हो गई, कोई आदमी घुसा है बाहर जा रहा है। तब फिर बालक को बुलाए हम, दूसरे कमरे में था वो, और जब बालक आया और बाहर आए तो पूरा सामान निकल चुका था। तो ये कैमरे का डीवीआर भी लेके चले गए? हाँ, सब लेके चले, पूरा सामान और टीवी का पूरा तारो खोल दिए सब। कितने बजे के आसपास होगा विनोद जी ये चोरी? ये 3:15 बजे की घटना है। 3:15 बजे करीब हमें जानकारी जब मिली, पिताजी बताए कि कोई अंदर है, टॉर्च दिखा रहा है, तो हम तुरंत जो है तो उठ के आए, देखे दरवाजा बंद था हमारे वाले कमरे का, खोले आके देखे तो यहाँ शटर, जाते ही नजर पड़ी शटर पे, देखे तो शटर खुला हुआ था। पूरी तरह शक हो गया कि देखे सामान सब बिखरा था, तिजोरी का चाबी नहीं थी, सामान पूरा ले गए, डीवीआर पूरा ले गए, डीवीआर ले गए, बाहर का ये कैमरा तोड़ दिए, शटर का लॉक तोड़ दिए, अब जितना सामान रखा था वो सब ले गए। अब सब देखना पड़ेगा कितना कितना सामान गया है। लगभग कितने के आसपास सामान चला गया होगा? लगभग 10 लाख से ऊपर का सामान गया। इससे पहले भी एक बार आपके यहाँ चोरी हुई थी? हमारे यहाँ एक बार लॉकडाउन में चोरी हुई थी, दिन में जी, दिन में आकर के और मुंह में बांधा हुआ था और मुंह में पट्टी बांधा था, फिर उसने सामान मांगा और सामान मांग करके मतलब ये दिखाइए ऐसा करके, तो मैंने सामने वाले को थोड़ा सा मन विचलित कर दिया। मन जैसे विचलित हुआ तो उसमें लॉकेट का पूरा डब्बा था, लगभग 30-35 ग्राम का सामान था उसमें सोने का, वो पूरा अपने हाथ में जब कब्जे में लिया तो पेशाब करने के बहाने बाहर निकला और सीधे रफू चक्कर हो गया। उस समय सामान कितने किया होगा? उस समय पर लगभग 2-2.5 लाख का सामान उससे भर गया। इसकी जांच कोई पुलिस ने की थी? कुछ भी नहीं की, हमने पुलिस को आवेदन भी दिया, पुलिस थोड़ा सक्रिय हुई 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए, इधर उधर देखी, लेकिन आज तक न तो कभी कोई जांच पुलिस के द्वारा किया गया न तो हमें कुछ बताया गया उस संबंध में, न कोई पुलिस आगे कार्रवाई की गई।
अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो एवं लाइक कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप हमारे चैनल को यूट्यूब के साथ साथ में ट्विटर पर भी देख सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।